मैंने अंदर का करेंसी रेट पता करा तो उनका था 23,40,000 डोंग पर 100 डॉलर दे रहे थे वो एक नोट का। 150 डॉलर की कीमत ज़्यादा मिलती है, छोटे नोटों की कीमत कम मिलती है हमेशा, तो 100 डॉलर का दे रहे थे 23,40,000। अब मैं फिर उसके बाहर आया तो इस तरह की शॉप है यहाँ पर, इन्होंने मुझे पूछा कि आपको एक्सचेंज कराना है अगर, तो मैंने उनसे कहा उसकी हाँ मुझे कराना है एक्सचेंज, क्या रेट दे रहे हैं आप? तो इन्होंने 23,40,000 की जगह मुझे रेट दिया 24,60,000 रुपये का। जो अभी का रेट चल रहा है वो 25 लाख चल रहा है 100 डॉलर नोट का कंपैरेटिवली डोंग के लिए। तो हमें उसमें मिल जाते 25 लाख डोंग, जिसमें 40,000 डोंग का मेरा टोटल नुकसान हुआ 100 डॉलर का नोट चेंज कराने में। 40,000 नोट को समझे अराउंड समझें तो हमारा 150 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है करेंसी चेंज कराने में। इतना तो बनता भी है, खैर करेंसी कन्वर्जन करा रहे हैं आप तो इतना तो समझ में आता चलता है, जायज़ है मतलब। तो अब हम आ गए हैं बाहर करेंसी चेंज करा के, थोड़ा सा महंगी रहती हैं चीज़ें बट फिर भी ठीक है, सही है, इतना बुरा नहीं है। तो हमें थोड़ी देर बैठ खड़े होके वेट करते हैं अपनी कैब का, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगी कैब यहाँ आने में, और हम चलते हैं फिर अपने होटल विंक। अभी टाइम बता दूँ आपको, मेरे होटल की इसकी एक और स्पेशलिटी है, 4:24 हो रही है, जिस टाइम भी मैं अगर होटल में चेक इन करता हूँ 24 आवर्स तक ये चेक इन मेरा वैलिड रहेगा, मैं चेकआउट कर सकता हूँ उतने टाइम तक। जनरली होटल का रूल होता है कि जैसे 2 बजे आप चेक इन करेंगे 12 बजे आप चेकआउट करेंगे, अगर आप शाम के 6 बजे भी चेक इन करते हैं तो भी अगले दिन 12 बजे चेकआउट करेंगे, आप रात को 12 बजे भी करते तब भी अगले दिन 12 बजे। तो इसका रूल ये अच्छा है, 24 आवर का आपको टाइम देता है होटल में स्टे का पूरा। मैं जैसे चेक इन करूँगा 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, तो 5 के अगले शाम के 5 तक का मुझे टाइम मिल जाएगा यहाँ पर चेकआउट करने का, तो जो कि अच्छी चीज़ है और मुझे यूज़ भी आएगा, इस चीज़ का ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि मैं कल आऊँगा बाना हिल से वापस, तो उस टाइम पर ज़रूरत पड़ जाएगी मुझे इस चीज़ की कि मैं चेकआउट थोड़ा लेट कर सकूँ। तो चलते हैं अपने होटल, दिखाता हूँ मैं आपको विंक कैसा होटल है, और आगे बुक करके कैब पहुँच रहे हैं हम विंक होटल। थैंक यू।